क्योंकि इससे पहले जब उनके लिखे हुए तमाम भजन सुनाए जा रहे तो उस दौरान भी आपने तस्वीरों में देखा था कि किस तरह से मग्न में हो गया था पूरा माहौल, जो लाखों की तादाद में जो सा संगत यहाँ पर आई हुई है वो झूम रही थी, ठुमक रही थी, नाच रही थी और पूरी तरह से अपनी सतगुरु की भक्ति में लीन हो रही। तो आज ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से संत गुरु गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा यहाँ पर शाह मस्तारा जी का पावन अवतार दिवस मनाया जा रहा है, तो इसको देखकर अपने आप में एक अद्भुत खुशी उत्पन्न हो रही है। और बड़ी बात यह भी कि यहाँ पर वो तमाम लोग भी मौजूद हैं जो शाह मस्तारा जी के समय से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए थे और वो आज भी यहाँ पर आज वो उपस्थित हैं, जिनको लेकर गुरुजी ने खास तौर पर कहा कि वो यहाँ पर निशानी चिन्ह जरूर वो यहाँ पर लेके जाए, क्योंकि ये एक बड़ी बात है कि इतने लंबे समय से वो आज भी लगातार उस वचन का पालन कर रहे हैं जो सह मस्ताना जी ने कहा था कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। तो वही वचन आज भी उनके सामने है और वो उसी वचन पर आज भी कटिबद्ध है। और यही तो वजह है कि यहाँ पर इतना लंबा वक्त हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो डेरा सच्चा सौदा के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पीछे नहीं हटे हैं और वही कटिबद्ध दृढ़ता और भक्ति की भावना उनके अंदर आज भी देखने को मिल रही है। वाकई ऐसी अद्भुत भक्ति बहुत कम जगह देखने को मिलती है कि जहाँ पर खुद उनका सतगुरु हर रूप में उनके सामने रहता हो, जिस रूप में वो उसको याद करते हैं, जिस रूप में वो उसको देखना चाहते हैं, उन तमाम रूपों में वो उनके सामने रहते हैं। वो उनके सामने एक सिंगर के रूप में भी रहते हैं, वहाँ पर वो उनके सामने एक कार डिजाइनर के रूप में भी रहते हैं और साथ साथ फैशन डिजाइनर के रूप में भी रहते हैं। तो ये एक काफी ज्यादा चौंकाने देने वाली बात है कि यहाँ पर जो उनका सतगुरु है वो उनके हर रूप में उनके सामने रहते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा के तमाम अनुयायी बेहद ज्यादा खुश नजर आते हैं और लाखों की तादाद में लोग पहुंच जाते हैं। और ये सिर्फ यही का एक नजारा नहीं है कि यहीं पर इतनी ज्यादा भारी भीड़ देखने को मिली है। जब जब डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जहां भी अपना रूहानी सत्संग फरमाने वो पहुंचते हैं, ना जाने कहां कहां से देश नहीं बल्कि विदेशों से भी अनगिनत अनुयायियों की कतार वहां लग जाती है और उनकी तादाद लाखों में हो जाती है। और यही वजह है कि डेरा सच्चा सौदा की तरफ से 104 मानव भलाई के कार्य किए जा रहे हैं और उन तमाम कार्यों में हिस्सा लेने के लिए भी किसी को निमंत्रण दिया नहीं जाता, बल्कि तमाम सभी लोग अपने सद्गुरु के वचनों को मानते हुए उन पर चलते हुए वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हाल ही में 28वां जब सफाई अभियान महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था तो वहां भी एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला था। लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि वहां पर इतनी ज्यादा भारी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। शायद मुंबई वाले भी इस बात को लेकर आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कभी कि वहां पर उनकी माया नगरी को सुधारने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए इतने सारे लोग आ जाएंगे और वहां पर तकरीबन 5 लाख डेरा सच्चा सौदा के सेवादार पहुंचे, जिन्होंने महज तकरीबन 6 घंटे 20 मिनट में ही पूरी मुंबई की तस्वीर बदल दी, उसको साफ सुथरा कर दिया। और यही तो वजह थी कि जब डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत हजूर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा मुंबई पहुंचे थे तो तमाम बॉलीवुड के सितारे भी उनके साथ
एमएमआईडीए ग्राउंड में झाड़ू लेकर सफाई करने के लिए उतर पड़े थे और वहां पर उन्होंने भी झाड़ू उठा के सफाई की थी। ये बेहद खूबसूरत पहल है। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से इस कार्य को तकरीबन पिछले 3 सालों से अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद उन्होंने भी इस अभियान में कदम मिला दिया और साथ में शुरुआत की स्वच्छ भारत अभियान की। डेरा सच्चे सेवादार वाकई ही देखने में एक अद्भुत नजारा महसूस होता है, एक खुशी मिलती है कि यहाँ पर जो लाखों की तादाद में जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो वाकई इतने खुश नजर आते हैं। पूरे परिवार के साथ वो पहुंचते हैं तो वो यहाँ पर जो हासिल करना चाहते हैं, जो भक्ति वो चाहते हैं, उनको वो यहाँ मिलती है। और यही तो एक वजह है कि यहाँ पर वो घंटों घंटों अपने सद्गुरु के सामने बैठते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, सच्ची भक्ति उनको मिलती है और किसी के चेहरे पर जरा सी शिकन तक देखने को नहीं मिलती है। तमाम लोगों में खुशी और उत्साह पूरी उमंगता के साथ भरा हुआ रहता है और तमाम लोग पूरी तरह से खुश नजर आते हैं। और उसके साथ साथ में और भी कई अनेकों कार्य ऐसे हैं जो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से मानव भलाई के लिए किया जा रहा है, क्योंकि गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इस बात को हमेशा ही बोलते हैं और वो वचनों में अपनी इस बात को भी कहते हैं कि यहाँ पर जो अगर सेवा करनी है या तो प्रभु ईश्वर अल्लाह परमात्मा की वो सेवा करें या फिर उनके बनाए हुए बंदे जो उनके नुमाइंदे हैं उनकी वो सेवा करें, इंसान की वो सेवा करें, क्योंकि सत्संग जियो। अगली जो शादी है मर्दानी भक्त वीरांगना कोई कोई है हो। धन्य धन्य हो माँ बाप की दो जहां जेरे का ये नजारा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर डेरा सच्चा सौदा सिरसा का है कि जहां पर परम पूज्य संत गुरु गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा विराजमान हैं और वो यहां पर जो मनाया जा रहा है इस वक्त बेहद सुहाना कार्यक्रम देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक जहां मस्ताना जी महाराज का अवतार दिवस यहां पर जोर शोर से मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत खुशी यहां पर देखने को मिल रही है लोगों के अंदर और वो लोग काफी धूमधाम से यहां पर डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक जहां मस्ताना जी के अवतार दिवस को मना रहे हैं। बहुत आशीर्वाद। तो मर्दानी भक्त वीरांगने वाला लड़का आपस में दिल जोड़ मार डालेंगे और ये दोनों बच्चे शास्त्र की निष्पल पर फोर्स के मेंबर हैं। देना बहुत आशीर्वाद।
1948 में डेरा सच्चा सौदा की शुरुआत हुई थी। उस वक्त एक ये वृक्ष लगाया गया था, छोटा सा पौधा यहाँ पर लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर आज जिस तरह का यहाँ एक बड़ा बगीचा बन गया है, उसको देखकर वाकई लगता है कि यहाँ पर जो शासंगत इनके साथ जुड़ी है उनको एक अलग ही विश्वास है और वो विश्वास उनका पूरी तरह से मजबूत भी है। ये एक अपने आप में बड़ी गवाही है कि यहाँ पर वो एक छोटा सा लगाया हुआ वृक्ष आज एक विराट बगीचे का रूप ले चुका है। करोड़ों की तादाद में सासंगत यहाँ पर जुड़ी हुई है और जिस तरह के मानव भलाई के तमाम कार्य यहाँ किए जाते हैं डेरा सच्चा सौदा की तरफ से, वो अपने आप में बड़ी बात है। और हमारा ख्याल है विवाह शादी वाले परिवार काफी ज्यादा आए हुए हैं, तो भंडारे के दिनों में हमने एक रीत चलाई थी और वो रीत का इस्तेमाल करेंगे। आप सबको पता है, और वो परिवार आ जाएं भाई, जितने भी ये 15-20 परिवार हैं वो एक लाइन में एक नया की एक ही मिनट में सबकी शादियां हो जाएंगी। सो नाम उनके मंजूर है, मालिक दरगाह में खुशियां दे, सेवा समय मन लगे, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां आए, जो भी हो तरमा धन से दीन दुखियों की मदद कर रहे हैं शादी की खुशी में, मालिक बेहद खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। सत्संग जी हौसला अफजाई करें, जो दीन दुखियों की मदद करते हैं शादी के दिन में, जो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो परिवार आ जाएं, लेकिन ध्यान रखें 15 मेंबर, 25 मेंबर, 45 मेंबर कि जो लड़का है उसके सामने वही लड़की हो, ये पूरा ध्यान रखना है जी। आ जाओ बेटा, आ जाओ, शाबाश नौजवानों। और ये वो मालिक के प्यारे हैं, जो भी बच्चे आए हैं सब नाम लेवा, नशे नहीं करते, दहेज नहीं लेते, अपने आप में बेमिसाल मां। डेरा सच्चा सौदा के इस अवतार दिवस में यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं और ये लोग यहाँ पर हिंदुस्तान के कोने कोने से तो आए ही हैं, उसके साथ साथ ये कई देशों के लोग भी हैं जो कि यहाँ पर चलकर वो आए हुए हैं अपने सदगुरु जो डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक शाह मस्ताना जी महाराज के अवतार दिवस में शरीक होने यहाँ पर वो पहुंचे हैं। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि परम पूज्य संत गुरु गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसे खुद सामने उनके विराजमान हैं। तो भले ही वक्त चाहे जो भी हो गया हो, लेकिन यहाँ पर सब लोग इस बात की खुशी जरूर मना रहे हैं कि उनको इतना वक्त अपने सदगुरु के सामने बिताने को मिल रहा है। कहते हैं कि भगवान और गुरु में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, तो वहीं पर वो समझ के बैठे हैं कि यहाँ पर वो अपने गुरु को ही अपने भगवान की तरह मानते हैं लोग, तो वहीं पर वो मानो कि अपने गुरु के सदगुरु के सामने बैठे हुए हैं और वो सारी अपने जो भी जिंदगी की भाग दौड़ को भुला कर वो आप यहाँ पर एकांत में अपने ज्ञान से चल रहे हैं। जी तो आप साथी साथ बजाते हैं और आप एक दूसरे के दिल जोड़ बांटना नारा लगा लेते हैं। ये बेहद नजारा खूबसूरत है, जरा देखिए इस खूबसूरत नजारे को कि यहाँ पर किस तरह से जोश देखने को मिल रहा है यहाँ पर तमाम डेरा सच्चा सौदा के इन सेवादारों को, जो कि अपने सदगुरु की भक्ति में पूरी तरह से वो लीन है और यहाँ पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वो अपने सदगुरु के सामने यहाँ पर खुशी देखने को मिल रही है, खुशी की लहर यहाँ पर पूरी तरह से फैली हुई है, खुशी की लहर यहाँ पर दौड़ रही है और सभी लोग यहाँ पर वो अपने सदगुरु के इस दरबार में अपनी पूरी तरह से उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कोई इस मामले में पीछे नहीं हटता हुआ दिखाई दे रहा है और गुरु जी यहाँ पर अब तमाम लोगों को अपना आशीर्वाद वो दे रहे हैं और लगातार आशीर्वाद वो दे रहे हैं कि यहाँ पर जो तमाम नेक कार्य किए जाते हैं डेरा सच्चा सौदा की तरफ से, वो खुद तमाम पूरी तरह से उन कामों का जो चलाया जाता है वो यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा के संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा
वो पूरी तरह से अपने सामने ही वो सब कुछ कराते हैं। और तो यही एक वजह है कि जितने भी नेक कार्य होते हैं उनमें वो कोई ऐसा काम नहीं होता कि जिसमें वो खुद उपस्थित नहीं रहते हो। तो यहाँ पर सब लोग रहे और नारे लगा रहे हैं। दूधरा से, उड़ीसा से, चेन्नई से सासंगत आई है, उड़ीसा से प्रतिमा इंसा, दिव्यानी इंसा, मधुचंदा, दिव्य ज्योति इंसा, और चेन्नई से स्टेलिन इंसा, अंजन करियप्पा, सुकुमार जी, तो सबको बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। मालिक खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। और कलकत्ता से आए हैं, और सभी जगहों से जो भी सासंगत आई है, बी आर वाइस, उनके ऑनर राहुल गौड़ और नवनीत गौड़ भी आए हैं, उनको बहुत आशीर्वाद सबको। मालिक खुशियों से नवाजे, आशीर्वाद बेटा, सबको बहुत आशीर्वाद। प्यारे पिताजी बिपरा श्याम स्थान जी महाराज के पावन अवतार में दिवस में साथ संगत ने आप जी को लाइव मैसेज, ईमेल, फोन, एसएमएस, ट्विटर द्वारा बधाइयां भेजी। साथ संगत ने इस खुशी में तरह तरह के पकवान बेबकों के सामने रखे, प्रसाद बनाने के लिए अर्ज कर रहे हैं। आशा बेटा प्रसाद बन गया, सब लोग लेना, सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बड़े घरों में खुशियां आए, सबको आशीर्वाद। और ट्विटर पर भी बहुत लोगों ने केक बना बना के सामने बैठे हुए, तो उनको भी आशीर्वाद, उनका भी प्रसाद बन गया। बिपरा श्याम स्थान जी महाराज के परिवार के आदरणीय सदस्य भी यहाँ पावन भंडारे पे आए, आप जी का आशीर्वाद चाहते, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। जो साईं मस्तान जी महाराज के आगे से आगे परिवार जो आज उनकी पीढ़ी से जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत आशीर्वाद। अगर वो बैठे हैं तो खड़े हो जाए, यहाँ आसपास हैं नजदीक, तो बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद विदेशों से बहुत बैठी, बहुत आशीर्वाद। 24 परिवार हैं, ठीक है, परिवार में कोई छोटा छोड़ गया, 3 ने नाम नहीं लिया, छोटा बच्चा नाम नहीं लिया, परिवार वाले खड़ा सुबह शाम उनके लिए खड़े हो जाए, वो परिवार जिनके परिवार में किसी ने छोटा छोड़ा है, एरा शरीर दल महादा दिन की आंखें दर माना, 6 परिवार फिजूल खर्ची की बैंक पैसा जमा करवा चुके हैं, आशीर्वाद। 13 परिवार लेकिन सभी परिवार अस्थि आश्रम दिला रहे थे, कुछ पहले करवा चुके जमा, तो अस्थियां देते हैं भाई, उन पे एक पौधा लगाया जाता है, उन अस्थियों से वो पौधा चलता है, मरणोपरांत की भला होती है, भलाई होती है, उस आत्मा का, परिवार का भला। सो परिवार दोनों खड़े हो जाएं, अस्थि आप जाएं भाई, और बेटा सबका आप स्वप्न करें, जिसने नाम लिया था वो आत्मा की गोदी में बाकी रहमत जरूर देगा, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना, प्रसाद देने भाई उनका आशीर्वाद। आप जी की पावन अमर सेवा के तहत द्वारा मेडिकल शोध हेतु मरणोपरांत महान सेवा से प्रभावित होकर FH मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद यूपी से चीफ एडमिनिस्ट्रेटर श्री अतुल घई जी, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर तेजेंद्र सिंह जी आए हैं, हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर हिमाचल से एनाटॉमी के प्रोफेसर डॉक्टर पंकज सोनी जी आए हैं जी। बहुत बहुत आशीर्वाद आपका, बहुत बहुत स्वागत बेटा, आप चल के आए और मानवता की भलाई के कार्यों को सराहना कर रहे हैं, ये भी आप में अच्छी बात, बेमिसाल बात, मालिक खुशी दे। प्रसाद लेना, सुनार लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद स्वागत, प्रसाद ले लीजिए। हाँ जी, तो शादी वाले परिवार कह रहे हैं आप भाई इतने आगे मत खड़ो, क्या मैंने कैमरा का है, इतने कैमरों से क्या करोगे, हमें तो दिख नहीं, वो आप सब सारे ब्लॉक करके बैठ गए इधर, एक कैमरे के बाद चढ़ जब तीनों ही उतर गए, जहां तक जान ही नहीं थी फिर वही गल, तो आए अजब तीनों ही उतर गए, एक एक ले लो काफी है शायद जी, नीचे से लोग रखड़ के आप कर सकते हैं बैठ के नीचे से जी। तो बेटा आप साथ में जाएं भाई, और आप नारा लगा के तिल तिलवा डाले बच्चो, तिल तिलवा माला एक करके डाल दो भाई, एक दूसरे के आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। और बच्चों को बता है इसकी मर्दानी भक्त वीरांगना, खास करके ध्यान में मर्दानी भक्त वीरांगना या भक्ति योद्धा, आप शादी करवाते तो फिर वो दर्जा खत्म हो जाता है, अगर आप शादी करवानी होती है तो पहले यहां से कर रही है, पूरा ध्यान दें। मर्दानी भक्त वीरांगना कोई कोई हो, धन हो माँ बाप की दुख यहाँ जय जयकार हो। तो इनमें हरिंद्र पुत्र श्री धर्म सिंह इंसा निवासी गांव बंगाली जिला फिरोजपुर पंजाब खड़े हो जाएं, श्री सुभाष
निवासी प्रीत नगर सरसा हरियाणा, प्रीता एंड सम पुत्री सुरेंद्र निवासी प्रीत नगर हरियाणा, ये लड़की एम कॉम कर रहे हैं जी। मर्दानी भक्त वीरान गिनती 16 हो गई है, जिसमें से दो शक्तियां एक पहले और एक अब दो हो गई शायद, तो बहुत बड़ी बात है बेटा। बच्चों खड़े हो जाएं, शाबाश, बहुत बड़ी बात, मालिक बहुत खुशियां दे, जमे रहम से नवाजे। और सारे बच्चे इस तरह से यहाँ पर शाह मस्ताना जी महाराज का पावन अवतार दिवस मनाया जा रहा है। लोगों में काफी जोश देखने को मिल रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, अपने सतगुरु के सामने अपनी उपस्थिति वो दर्ज करा रहे हैं। बेहद खूबसूरत रोचक माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है और तमाम लोगों में इतना जोश है कि वो चाहते ही नहीं कि यहाँ पर ये प्रोग्राम, इस कार्यक्रम ये लगातार चलता रहे। वो ऐसा चाहते हैं कि हमेशा ऐसा ही ये मधुमेह प्रोग्राम चलता रहे और यही एक वजह है कि लोग यहाँ पर आप भी इतने ही उत्साह के साथ विराजमान है। जैसे कि वो जब 7:00 इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी उस वक्त जो यहाँ आकर बैठे थे, जिन्होंने यहाँ पर जब आसन ग्रहण किया था, जब वो आते हैं तो ना जाने क्या एक खो जाते हैं, वो मन मुग्ध हो जाते हैं और यही एक वजह है कि यहाँ पर पूरी तरह से लोग विराजमान है। परिवार मिलके दिंदु के माध्यम में बैंक 51,000 रहे हैं जी, तो खड़े हो जाएं दिंदु के पति के लिए, बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं। घरों में खुशियां हैं, मालिक से बहुत बड़े सेवा सुन में मल गए, मालिक नवाजे और जोर से ताला लगा के सब लोग बैठ जाएं, आशीर्वाद बैठ जाएं, प्रसाद ले लेना बाद में। और एक भजन साईं जी के ऊपर है, इस ममदाता आ गए जी नजरों से सबको पिला रहे, इस दिन दाता आ गए नजरों से सबको पिला रहे, खुशियां ले साथ कर नूरी बरसात, खुशियां ले साथ कर नूरी बरसात, नाम बिना सत्य नाम जी बता रहे, नाम बिना दम सत नाम जी बता रहे, नजरों से नजरों से सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे, मस्ताने नजरों से सब पिला रहे। लिए आए दाता सद लाए दो जहां का खजाना, रूह लिए आए दाता सद लाए दो जहां का खजाना, भर लो झोलिया कहीं चूक न तुम जी जाना, सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे, दादा नजरों से सबको पिला रहे। बहिन रानी मुकड़ा जो देख मस्त हो जाए, बहिन रानी मुकड़ा जो भी देख मस्त हो जाए, चल पड़ी हिम्मत वाली
जी सारा आलम जो मस्त बनाए। नजर सबको पिला रहे, बिना दाम स्थान की पिला रहे, बिना नाम सत्य नाम जी पिला रहे। यहां दाता जी ने जी नूरी चरण टिका दिए, धन धरा जहां दाता जी ने जी नूरी चरण टिका दिए, धन धन माता पिता जी रवि ज्योत ने डेरे हला लिए। सबको धन्य बना रहे, नजर से सबको पिला रहे, नजर से सबको पिला रहे, नजर से सबको पिला रहे, बिना दाम सबको पिला रहे। सत्संग लगा के दाता ने जी सबको खूब समझाया, सत्संग लगा के दाता ने जी सबको खूब समझाया, जुगो जुगो से है पिछड़ो गो जी रब से है दाता ने मिलाया। सबको जी जगा रहे, अब है आत सबको जगा रहे, नजर से सबको पिला रहे, पिया नजर सबको पिला रहे, नजर से सबको पिला रहे, बिना नाम सत्य नाम जी पिला रहे। माया के जाल से दादा राम नाम देह के बजार, मन माया के जाल से दादा राम नाम देह के बजार, पांच जोरों के नकेल जी दादा सबको डालनी सिखा रहे। गमों से सबको बचा रहे, गमों से सबको बचा रहे, नजरों से सबको पिला रहे, बिना नजर सबको पिला रहे, बिना दमस्ताना जी पिला रहे, हाँ बिना दमस्ताना जी पिला रहे।
मस्तन जी के गुण जी की वर्णन ना जी जाए जी। शाह सतनाम जी के गुण जी की वर्णन ना जी जाए जी। राज गाज मीत गाए जी, बच सूर्य को दीपक दिखाए जी। कदा अपने ही आप गवार है, कदा अपने ही आप गवार है। अनुज रसा नजरों से सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे, नजरों से सबको पिला रहे, सतना मजरों से सबको पिला रहे। इस्मा में दाता आ गए जी, नजरों से सबको पिला रे, खुशियां ले जात करे नूरी बरसा, खुशियां ले जात करे नूरी बरसा। नाम दीना दम सतनाम जी बता रहे, नाम दीना दम स्थान जी बता रहे। नजरों से सबको पिला रहे, 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 नजरों से सबको पिला रहे। बिना दम मस्ताना जी पिला रहे। जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो प्यारे सत्संग जीओ, आपके सबके लिए लंगर, साथ में प्रसाद, भंडारे का प्रसाद हलवा आपके लिए बनाया गया है। सारी सत्संग ने आराम से बैठ के लंगर भोजन लेना है और हाथ जोड़ के विनती है, बहुत ज्यादा दूर दराज जाने वालों ने पहले आराम करना है फिर वापस जाना है। हाथ जोड़ के बारम्बार विनती, बहुत दूर दराज जाना है तो पहले आराम कीजिएगा, चार पांच घंटे आराम कर लें कम से कम, और फिर जाएं। फिर भी कहीं नींद जरा सी भी लगे तो आराम से गाड़ी रोक लें, चाय पानी पिए फिर जाएं। तो अगर आप वचन मानते हैं तो यकीन मानिए, काल आपका बाल बांका नहीं करेगा। और एक और भी यकीन मानिए, भंडारों से बढ़ के खुशियां आपको जब तक घर नहीं पहुंचते मालिक बख्शता रहेगा, देता रहेगा। बस बुरे कर्म ना कीजिए, नेकी पे चलते जाइए। सो मालिक से शास्त्र सतनाम शाह मस्तान साई दाता रहे पर मस्ताना जी महाराज का ये पाक पवित्र जन्मदिन जन्म महा आपको वो खुशियां दे, वो नजारे दे, वो लज्जते दे जिसकी कल्पना भी ना की हो, वो खुशियां बख्शे। बस बचनों पे आप अमल कमाएं, बचनों पे ठोक के पहरा दें, यकीन मानिए वो जरूर खुशियां देगा। सतगुरु को यार बनाए, अल्लाह वाहिगुरु राम से बेइंतहा प्यार करते जाइए, उसकी मानवता से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार कीजिए, यकीन मानिए अंदर बाहर वो कमी नहीं आने देगा। सो आराम से बैठ के लंगर भोजन है लागरी, अभी शुरू कर दें जल्दी से लंगर भोजन प्रसाद, सारी साथ संगत ने लेना है भंडारे का। और जैसा आपको बोला चलें जल्दी से चलें सब लोग, क्योंकि हमने दृष्टि इसमें पहले ही डाल दी है। तो प्यारी साथ संगत जी इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, दोनों तरफ लंगर भोजन जल्दी से शुरू कर दें और थोड़ी देर में ही आपको लंगर भोजन खिला देंगे। तेजी से चले बहन भाई, तेजी से चले, अलग अलग जगह पे चले, एक ही जगह रुके ना, आगे चलते जाएं, बढ़ते जाएं साथ संगत में। और लंगर भोजन प्रसाद सबने लेना है, सब थोड़ा समय सज रहिए, मालिक बेहद खुशियां दे, अमल करना ताकि खुशियां बरकरार रहें और बढ़ती जाएं। सबको आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परम पूज्य संत गुरु गुरुमित राम रहीम सिंह जी यहाँ पर किस तरह से इतनी ज्यादा है, लाखों में साथ संगत है, पूरा पंडाल, बाहर भी पंडाल बने हुए हैं, सब भरे हुए हैं। तो वो तो आइडिया कल पता चलेगा साथ संगत आई कितनी है, पर लाखों में आई है इसमें कोई शक नहीं। कोई भी आदमी खड़ा होकर देख सकता है, ये 30-35 एकड़ का पंडाल है और खचा खच भरा साथ संगत नजर आ रही है।
कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा, तो अमल करें आप। आगे वाले तो आराम से शांति से बैठे रहें, खाना लें आराम से, और पीछे वाले भी अभी बैठे लंगर भोजन ले लें, फिर आराम से जैसे धीरे 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 धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी, ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सज रहिएगा। परम पूज्य संत गुरु गुरुमित राम रहीम सिंह जी इंसा, यहाँ पर मनाया गया है सह मस्ताना जी का जन्म दिवस, अवतार दिवस यहाँ पर मनाया गया है उनकी मौजूदगी में। और यहाँ पर जिस तरह से इस नेक कार्य को अंजाम दिया गया है वो अपने आप में अद्भुत है कि यहाँ पर उनके प्रसाद के तौर पर जो भंडारा था वो यहाँ पर इस वक्त बांटा जा रहा है। लंगर लोग पर पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, तमाम जो डेरा सच्चा सौदा के सच्चे सेवादार हैं वो यहाँ पर लंगर लोगों तक पहुँचा रहे हैं, प्रसाद जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पर जो तमाम लोग थे उन्होंने अपने सदगुरु की जो दिव्य वाणी यहाँ पर सुनी, भजन उन्होंने अपने सदगुरु का सुना, और जाते जाते संत गुरु गुरुमित राम रहीम सिंह जी इंसान ने जिस तरह से आशीर्वाद प्रदान किया लोगों को, ये भी समझाया है कि जो लोग राज के क्षेत्रों से आए हैं वो घर पहुंचने में जल्दबाजी ना करें, वो पहले आराम करें और उसके बाद वो आराम फरमाने के बाद ही अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ वो प्रस्थान करें। और यहाँ पर जिस भक्ति में सराबोर होकर तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, निश्चित तौर पर ऊपर वाला उसको जरूर देखेगा, निहारेगा और उनका फल भी उनको मिलेगा। ये एक साधु का वचन है, संत का वचन है। बेहद खूबसूरत नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है सिरसा में, कि जिस तरह से यहाँ पर लाखों की तादाद में साध संगत यहाँ पर आई हुई है, और यहाँ पर जिस तरह से तमाम साध संगत ने यहाँ पर पावन भंडारे का लुफ्त उठाया, गुरुजी ने जो रूहानी सत्संग यहाँ पर फरमाया उसका तमाम सत्संगत ने लाभ उठाया, लुफ्त यहाँ पर उठाया, पूरी तरह से नाचे गाए झूमे और भक्ति में सराबोर ये तमाम भक्त रहे। और अब ये तमाम डेरा सच्चा सौदा के सच्चे सेवादार अनुयायी यहाँ पर अब लंगर चख रहे हैं, और यहाँ पर जो संत सहाय मस्ताना जी महाराज का जो अवतार दिवस था वो बेहद धूमधाम से मनाया गया, उसके बाद यहाँ पर प्रसाद अब ये लोग चख रहे हैं। बहरहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी सर्वधर्म की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए।